चंद्रयान 3 रचेगा इतिहास, चांद पर पहुंचेगा भारत, पूरे विश्व में बजेगा डंका, हर भारतीय को है बेसब्री से इंतजार। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। चंद्रयान 3 को लेकर आपके भी जहन में वही सवाल होंगे जो इस वक्त हर भारतीय सोच रहा है। दरअसल बीते महीने 14 जुलाई को जब चंद्रयान 3 को श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया, उसके बाद से ही लगातार तमाम भारतीय हैं वो अब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कुछ घंटों बाद जो चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराई जानी वो कितनी सफल रहेगी और क्या इससे एक बार फिर से पूरे विश्व भर में भारत का डंका बजता नजर आएगा। दरअसल इसको लेकर हम इस खास रिपोर्ट में हर उस पहलू पर बात करेंगे जिससे आपके वो तमाम सवाल जो है वो हल होते नजर आएंगे। 2008 से शुरू हुई ये यात्रा, चंद्रयान 1 से शुरू हुई ये यात्रा आज 2023 में अपने सफलता की ओर बस मात्र कुछ घंटों में पहुंचने वाली है और सफल होने वाली है। सबसे पहले आपको ये खास रिपोर्ट मैं दिखाऊंगा। इस रिपोर्ट के माध्यम से आप ये पूरी तरीके से समझ पाएंगे कि चंद्रयान 3 तक पहुंचने के लिए इसरो ने कितनी मेहनत की, इसरो ने किस ढंग से अपने स्थापना के बाद से लगातार भारत को विश्व भर में इस बड़े मकाम तक पहुंचाने के लिए कितनी ज्यादा जो है जद्दोजहद की और आज भारत इस हैसियत में आ चुका है कि चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग मात्र कुछ घंटों में करने ही वाला है। तो सबसे पहले आपको ये खास रिपोर्ट एक बार जरूर देखनी चाहिए। आजादी के बाद से अब तक भारत ने अंतरिक्ष का सफर शानदार तरीके से तय किया है। साइकिल व बैलगाड़ी से शुरू हुई हमारी अंतरिक्ष यात्रा मंगल और चांद तक पहुंचने वाली है। आज भारत मानव को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है, लेकिन यह यात्रा इतनी आसान भी नहीं थी। साल 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब स्थिति इतनी करुण थी कि हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त अनाज भी नहीं था। अंतरिक्ष की कल्पना करना तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन हम साहस के साथ सभी चुनौतियों को स्वीकार कर आगे बढ़ते रहे। अनंत साल 1962 में वह घड़ी आई जब भारत ने अंतरिक्ष का सफर करने का फैसला किया और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना की। साल 1969 में इस मिशन को कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा एक बड़ा परवान चढ़ता हुआ नजर आया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का रूप धारण कर लिया। वर्तमान में इसरो दुनिया की 6 सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इसरो ने दुनिया के बीच अपनी पहचान कैसे बनाई और उसके रास्ते में कौन कौन सी अड़चने आई। साल 1969 में इसरो का जन्म हुआ जब भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान गतिविधियों की शुरुआत हुई। उस समय अमेरिका और रूस में उपग्रहों का परीक्षण शुरू हो चुका था। साल 1962 में भारत सरकार ने अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कर अंतरिक्ष के रास्ते पर अपना पहला कदम रखा और साल 1963 में थुम्बा से पहले राउंडिंग रॉकेट के साथ भारत के औपचारिक अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बाद में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने उन्नत प्रौद्योगिकी के विकास के लिए 5 अगस्त 1969 को इनकोस्पार के स्थान पर जो है एक तरीके से इसरो की स्थापना की। इसी कड़ी में भारत सरकार ने जून 1972 में अंतरिक्ष आयोग का गठन किया और अंतरिक्ष विभाग DOS की स्थापना की।
सितंबर 1972 में इसरो को अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कर दिया गया। भारत में आधुनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों के जनक कहे जाने वाले साराभाई का मानना था कि अंतरिक्ष की संसाधनों से मनुष्य व समाज की वास्तविक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का नेतृत्व करने के लिए देश के सक्षम व उत्कृष्ट वैज्ञानिकों, मानव वैज्ञानिकों और समाज वैज्ञानिकों को लेकर के एक तरीके से काम करना शुरू कर दिया। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मानव विज्ञानियों, समाज विज्ञानियों और साथ ही जो तमाम बड़े ऐसे चेहरे थे, शुरुआती दिनों से ही इसरो ने अपनी योजनाओं पर अच्छी तरीके से काम करना शुरू कर दिया। इसरो ने अपनी सूची में संचार तथा सुदूर संवेदन के लिए उपग्रह अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली तथा अनुप्रयोग कार्यक्रम जैसे क्षेत्रों को शामिल किया। दर्शकों, आपको ये बात तो समझ आ गई है, आपने ये तो जान लिया कि इसरो की स्थापना के बाद इसरो ने कितनी मेहनत की। इस रिपोर्ट के जरिए आप ये बात समझ चुके हैं। अब आइए आपको ये बताते हैं कि 2008 में जब चंद्रयान एक की शुरुआत हुई और चंद्रयान एक ने जिस ढंग से कार्य किया, उसके बाद कहीं ना कहीं भारतीय वैज्ञानिकों के जो हौसले हैं वो और ज़्यादा बढ़ते चले गए। और फिर उसके बाद धीरे धीरे ये यात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ी कि आज इतने कम बजट में चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक अब जो है लैंड कराने की घड़ी आ चुकी है। अब आइए आपको चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 दोनों की कहानी साथ में बताते हैं, दोनों के पूरे कुलपुर्जे के बारे में जानकारी देते हैं और फिर उसके बाद हम अगली रिपोर्ट में बात करेंगे कि दरअसल चंद्रयान 3 की खासियत क्या है। पहले आप चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 को समझ लीजिए और चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 के इस पूरे मिशन में क्या क्या घटनाएं हुई, किस ढंग से इस मिशन को पूरा करने के लिए किन किन लोगों के भरपूर सहयोग और योगदान की वजह से इसरो ने इस मिशन को अंजाम दिया था, इस खास रिपोर्ट को एक बार देखें। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 की लॉन्चिंग की गई थी। करीब 22 दिन बाद 14 नवंबर 2008 को चांद से 102 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगा रहे चंद्रयान 1 से मून इंपैक्ट जो है प्रोब से अलग हुआ। वह तेजी से चांद की सतह की तरफ जा रहा था। MIP को 25 मिनट लगे चांद की सतह पर गिरने में। वह 61,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार यानी 1.69 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चांद की सतह से टकराया था। इस टकराव से मून इंपैक्ट प्रोब पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया, लेकिन उससे पहले मून इंपैक्ट प्रोब ने वह काम कर दिया जिससे इतिहास बना दिया और इस तरीके से पहला चंद्रयान मिशन जो है वो इसरो ने कहीं ना कहीं सफल किया। साथ ही आपको बताएं कि विक्रम लैंडर भले ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सही से लैंड न कर पाया हो, लेकिन इसरो ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपना निशान 10 साल पहले ही छोड़ दिया था। चंद्रयान 2 जब चंद्रमा की सतह पर उतरने ही वाला था कि लैंडर विक्रम से संपर्क टूट गया था। प्रधानमंत्री मोदी भी इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए इसरो मुख्यालय बेंगलुरु पहुंचे थे, लेकिन आखिरी पल में चंद्रयान 2 का 47 दिनों का सफर अधूरा रह गया था, जिसके बाद ये कहा जाने लगा क्या इसरो की यह हार है या इस हार में भी जीत छुपी हुई थी। आखिर चंद्रयान 2 की 47 दिनों की यात्रा अधूरी क्यों रह गई और साथ ही अब इसको लेकर क्या इसरो ने जो तमाम कमियों को देखते हुए चंद्रयान 3 की जो सफलता पूर्वक यहाँ पर जो लॉन्चिंग की और आज अब एक बड़ी डेट तय की जा चुकी है, मात्र कुछ घंटों में चंद्रयान 3 लॉन्च होने वाला है। दर्शकों, अपने चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 की कहानी तो समझ गए, लेकिन अब हम जिस
जो है चंद्रयान 3 पर विस्तार से बात करने जा रहे हैं और उसके लगभग हर उस पहलू को बेहतरीन ढंग से समझेंगे कि ऑर्बिटर और लैंडर साथ ही जो प्रज्ञान रोवर उसका काम क्या है। सबसे पहले तो चंद्रयान 3 को लेकर के जो लगातार ये बातें कही जा रही थी, कई स्पेस एजेंसियों ने भारत को चिढ़ाने का भी काम किया कि भारत क्या वाकई इतनी बड़ी सफलता को हासिल कर सकता है। सबसे पहले आपके जहन में ये एक बड़ा सवाल होगा कि लैंडर का काम क्या होता है, लैंडर किस ढंग से काम करता है, लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर जो वैज्ञानिक वो कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं कि विक्रम लैंडर जो है वो चांद के साउथ पोल पर आसानी से लैंड कर पाएगा। तो सबसे पहले लैंडर की इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमारी इस खास रिपोर्ट को आप एक बार जरूर। चंद्रयान 3 रफ्तार से आगे बढ़ता चला जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कि अपडेट और साथ ही चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल डी बूस्टिंग के बाद अपनी कक्षा कम करते हुए 113 किलोमीटर इंटू 157 किलोमीटर के ऑर्बिट में आ गया है। लैंडिंग मॉड्यूल में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर शामिल है। दूसरा डिबूस्टिंग ऑपरेशन 20 अगस्त को प्लान किया गया है। जब भारत नींद के आगोश में जा चुका होगा तब चंद्रयान 3 इस ऑपरेशन को अंजाम देगा। वो अपनी रफ्तार और धीमी करते हुए चांद के सबसे करीबी ऑर्बिट में दाखिल होगा। इस साल 14 जुलाई को लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 मिशन भारत के मून मिशन का फॉलो अप है। 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 वहां के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाएगा और साथ ही इसके बाद ये कहा जा रहा है कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया को 23 अगस्त 2023 का बेसब्री से इंतजार है। इसरो वैज्ञानिकों के अनुसार यही वह दिन है जब चंद्रयान 3 को चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी है। लैंडर विक्रम अब अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है। अपने सेंसर की मदद से वह लैंडिंग की मुफीद जगह तलाशना शुरू कर चुका है। फिर अपनी स्पीड को लगभग शून्य कर लेगा, फिर हौले हौले चांद की सतह पर कदम टिकाएगा और उसके बाद भारत एक बड़ा इतिहास रचता हुआ नजर आएगा। दर्शकों आपने देखा विक्रम लैंडर किस ढंग से काम करता है और विक्रम लैंडर का नाम विक्रम ही क्यों रखा है, ये तो आपको पूरी तरीके से समझ आ गया है। लेकिन अब विक्रम लैंडर के चंद्रमा के साउथ पोल पर उतारे जाने के बाद का कार्य क्या होगा, मकसद जो है चंद्रयान 1 से लेकर अब चंद्रयान 3 तक इसरो ने ये मिशन क्यों चलाया और इस मिशन को चलाने के पीछे भारत का मकसद क्या है, इसरो के उन तमाम वैज्ञानिकों का मकसद क्या है। दरअसल विक्रम लैंडर जब चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करेगा और सॉफ्ट लैंडिंग की बात लगातार आप जो खबरों में सुन रहे हैं, दरअसल सॉफ्ट लैंडिंग कराया जाना एक महत्वपूर्ण काम है क्योंकि अगर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होती तो जाहिर सी बात है कि आगे का मिशन पूरी तरीके से कहीं ना कहीं बाधित होता नजर आएगा। अब आप इस बात को समझिए कि विक्रम लैंडर के लैंड होने के बाद का कार्य क्या हो, किस ढंग से चंद्रमा पर घूम घूम कर जो डाटा है वो कलेक्ट किए जाए और फिर उसी के जरिए आप ये कहें कि भारत के उस इसरो के पास पहुंचाए जाएंगे जिस इसरो ने इस कड़ी मेहनत और तपस्या के बाद आज जो है भारत के हर एक नागरिक को गौरवान्वित महसूस करवाने का एक पल जो है वो मुहैया करवाया है। अब आप समझिए कि विक्रम लैंडर के लैंड होने के बाद उसमें से प्रज्ञान रोवर बाहर निकलेगा। अब आपका सवाल ये होगा कि ये प्रज्ञान रोवर क्या है,
प्रज्ञान रोवर का काम क्या होता है, प्रज्ञान रोवर वहां पर काम क्या करेगा, उसकी जो कार्यशैली होगी वो किस ढंग से होगी, तो आइए इसको भी इस खास रिपोर्ट के माध्यम से समझ लें। इसरो का मून मिशन अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। लैंडर विक्रम की 23 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग होनी है। इसके बाद एक बेहद महत्वपूर्ण किरदार पूरी तरह से दुनिया के नजरों के सामने होगा। यह किरदार अभी तक छुपा हुआ है, इसकी अभी इतनी चर्चा नहीं हो रही है। इस किरदार का नाम है रोवर प्रज्ञान। प्रज्ञान इस चंद्रयान 3 का छुपा रुस्तम है, यह अभी तक लैंडर विक्रम के पेट में छुपा हुआ है। जानते हैं कि आखिर रोवर प्रज्ञान इतना महत्वपूर्ण क्यों है और चंद्र मिशन में इसकी भूमिका क्या है। रोवर प्रज्ञान का वजन महज 26 किलो है। रोवर में 6 पहिए लगे हुए हैं। विक्रम लैंडर के चंद्रमा पर लैंडिंग करते ही रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। यह चंद्रयान 3 मिशन का कम्युनिकेशन इन चीफ है। चंद्रमा पर की गई खोज को प्रज्ञान ही धरती तक भेजेगा। यह सेंटिकुलर शेप में है और साथ ही रोवर प्रज्ञान पर सोलर पैनल लगे हुए हैं। इसके साथ ही यह 2 जो है नेविगेशन कैमरे समेत कई तरह के साइंटिफिक पोलेट से लैस है। यह लैंडिंग एरिया के आसपास अपने उपकरणों की मदद से वहाँ की मौलिक संरचना की जानकारी हासिल करेगा। प्रज्ञान में अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ है और इसके साथ ही इसके अलावा इसमें लेजर इंस्टीट्यूट ब्रेक डॉन लेब्स भी लगा है। प्रज्ञान को इस तरह से तैयार किया गया है कि यह व्यापक जो है केमिकल एनालिसिस करने में सक्षम है और इसी की वजह से भारत में तमाम खोज चंद्रमा की धरती पर पहुंचेगी। रोवर प्रज्ञान का जीवन चांद के एक दिन के बराबर है। यह चंद्रमा पर एक दिन तक अपने खोज और जानकारियां जुटाएगा। प्रज्ञान चंद्रमा पर एक तरीके से मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन पोटेशियम कैल्शियम टाइटेनियम और आयरन से जुड़ी जानकारी जुटाएगा। यह चंद्रमा से जुड़ी जानकारियां जुटाएगा। खास बात है कि चंद्रमा पर एक दिन धरती के 14 दिन के बराबर होता है। तो आपने देखा दर्शकों के विक्रम लैंडर के पेट में छुपा प्रज्ञान रोवर का कार्य जो है वो कितना दिलचस्प है। और दरअसल प्रज्ञान रोवर के माध्यम से ही भारत में बैठे इसरो के उस स्पेस सेंटर में वैज्ञानिकों से जो है संपर्क साधा जाएगा और साथ ही वहां पर जो तमाम तरीके की एक्टिविटी होगी वो प्रज्ञान रोवर के माध्यम से ही भारत के स्पेस सेंटर में भेजा जाएगा। तो ये पूरी खास रिपोर्ट को समझाने का मकसद ये था मेरा कि आप इसको पूरे ढंग से समझ लें कि इस पूरे जो है स्पेस मिशन में किस ढंग से जो है वैज्ञानिकों ने अपनी मेहनत की और आज देश इतने बड़े मकाम को मात्र जो है कुछ घंटों के बाद ही हासिल करने वाला है। तो इस खास रिपोर्ट को देखकर आपको क्या लगा, आपने क्या समझा और साथ ही भारत के इस मून मिशन पर चंद्रयान 3 पर आपकी क्या राय है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।